सोचिए ना, आप लोगों को शर्म नहीं आती है कि हमारे घर से क्यों मजदूर निकल रहे हैं? हमारे ही बहन बेटियां क्यों दूसरे घर मजदूरी करने जाती हैं? अगर दूसरे के लोग, दूसरे बस्तियों के लोगों के औरतों को, दूसरे लोगों के औरतों को अगर बुला लेंगे आप या देख लेंगे तो लोग दौड़ जाएंगे मारने के लिए। आपकी बहन बेटियां दूसरों के घर में जाती हैं काम करने, आपकी बहन बेटियां दूसरों के घरों का काम करती हैं, दूसरों का मजदूरी करती हैं, आप लोगों को इस बात का शर्म नहीं आती है? क्यों नहीं शर्म आती है? जो लोग इस बात को सुन रहे हैं, जो लोग नहीं सुन रहे हैं, गाँव में सुन रहे हैं, वो लोग भी इस बात को जरा सोचिएगा, जरूर रात को जाइएगा, सोइएगा और इस बात को सोचिएगा कि हमारे ही गांव में मजदूर क्यों मिलते हैं, हमारे ही गांव में क्यों बकरी चराने वाले बच्चे मिलते हैं, हमारे ही गांव में दारू पीने वाले क्यों मिलते हैं, हमारे ही गांव की बहन बेटियां क्यों मजदूरी करने जाती हैं, दूसरों के बस्तियों के बच्चे क्यों नहीं ऐसा करते हैं? उसके बाद आप लोग सोचिए, उसके बाद आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना शुरू करिए। जो पैसा दारू पीने में लगा रहे हैं, जो पैसा शादी ब्याह में लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं, शादी ब्याह में बहुत ज्यादा खर्च मत करिए, ना ही मृत्यु भोज करिए। उस पैसे को अपने बच्चों को पढ़ाने में लगाइए। जितना बच्चा आपका पढ़ेगा उतना बच्चा आपका अमीर बनेगा, उतना बच्चा आप आगे बढ़ेगा। धन्यवाद दीदी। आप जितना ज्यादा पढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर निकलेंगे। आप जितना ज्यादा पढ़ाएंगे लिखाएंगे उतना ज्यादा, थैंक यू, आप लोग जितना ज्यादा पढ़ाएंगे उतना ज्यादा डॉक्टर इंजीनियर निकालेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके गांव से एक भी मजदूर नहीं मिलेगा। लोगों को सोचना पड़ेगा कि अरे चमार बस्ती से, दलित बस्ती से एक मजदूर नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि आपने बाबा साहब की बातों को मान लिया। बाबा साहब की बातों को आप लोग नहीं मानते हैं, आप लोग सिर्फ बाबा साहब को पूछते हैं, भगवान मानते हैं। बाबा साहब बुद्ध दोनों लोगों ने कहा था कि मैं भगवान नहीं, मुझे पूछना मत, मेरे विचारों पर चलना। कितने लोग हैं जो अपने उनके विचारों पर चलते हैं? कोई नहीं चलता है। अगर विचारों पर आप चलते तो उनको पूजने का कार्य ही नहीं करते। उनके विचारों पर चलने वाला व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाएगा, दारू कभी नहीं पिएगा, अपनी बहन बेटियों को मजदूरी करने कभी नहीं भेजेगा, वो अपने बहन बेटियों को डॉक्टर बनाएगा, इंजीनियर बनाएगा। यहाँ समाज में कई लड़कियां बैठी हुई है, इंटर पास करने के बाद कोई अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाता है, बोलता है